ये देखिए दोस्तों, एकदम होटल स्टाइल बटर पनीर मसाला बनाया है मैंने। इसका टेक्सचर देखिए, है ना फ्रेंड्स, एकदम परफेक्ट एंड क्रीमी। तो इसकी रेसिपी तो देखना बनता ही है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सुनीता खंडेलवाल और आपका स्वागत है इसके गोल्ड रेसिपीज पर। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी, अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि जब भी मैं कोई नई रेसिपी डालूं तो आपको झट से नोटिफिकेशन मिल जाए। फ्रेंड्स, अगर बनाना है हमें होटल स्टाइल बटर पनीर मसाला तो कुछ स्पेशल टिप्स मैं शेयर करूंगी, इसलिए आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। आज इसे बनाने का तरीका मैं सिंपल 3 स्टेप्स में बताऊंगी, तो फिर देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं। हमारी फर्स्ट स्टेप में हम तैयार करेंगे ग्रेवी। फ्रेंड्स, ग्रेवी की पूरी तैयारी मेरी हो चुकी है। इसके लिए मैंने यहाँ लिए हैं रफली चॉप्ड प्याज और टमाटर, साथ ही लिया है मैंने काजू, हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन और लिए हैं ये सभी मसाले। दोस्तों, इन सभी की क्वांटिटी मैं आपको ग्रेवी बनाते बनाते ही बताते जाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं ग्रेवी बनाना। सबसे पहले गैस ऑन करके कढ़ाई रखेंगे, फ्लेम हम रखेंगे लो ही। इसमें डालेंगे लगभग 25 ग्राम बटर और 1 टेबल स्पून तेल। जैसे ही बटर गर्म होकर मेल्ट हो जाएगा, इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून राई, आधा टुकड़ा दालचीनी का, 2 से 3 काली मिर्ची, 2-3 लौंग, 2 तेज पत्ता, 3 हरी मिर्ची के पीसेस, 3 से 4 ड्राई वाली आखी लाल मिर्च और डालेंगे 1.5 इंच अदरक के पीसेस। इन सभी को बटर में ही लो फ्लेम पर 1 से 1.5 मिनट तक भुनेंगे और इसमें अब डाल देंगे 3 मीडियम साइज के प्याज जिनको हमने रफली चॉप किया हुआ है और इसी समय डाल देंगे 4-5 कली लहसुन की। अब इन सबको भूनेंगे। फ्रेंड्स, प्याज हल्का सा ब्राउन होने लगे इतना ही हमें इन्हें भूनना है। दो 3 मिनट हो चुके हैं, प्याज अब हमारे थोड़े से ट्रांसपेरेंट दिखने लगे हैं। इसी समय इसमें हम डालेंगे लगभग 1 मुट्ठी काजू, ये करीब करीब 15 से 20 काजू हैं। इन्हें भी प्याज के साथ ही भुनेंगे। फ्रेंड्स, हमें ध्यान रखना है कि ये जो पूरी प्रोसेस हम कर रहे हैं ये हमें लो फ्लेम पर ही करना है। 3-4 मिनट हो चुके हैं, देखिए प्याज ट्रांसपेरेंट भी हो गए हैं और इनका कलर भी हल्का सा ब्राउन हो चुका है। ठीक इसी समय हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, 2 चुटकी गरम मसाला, नमक डालेंगे 1 टीस्पून। नमक हम इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि ग्रेवी में बटर काफ़ी सारा डलता है और बटर में भी नमक रहता है। वैसे भी फ्रेंड्स, नमक की क्वांटिटी ऑप्शनल है, आप अपने स्वाद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इन सब मसालों को प्याज के साथ ही 1.5 मिनट तक भून लेंगे। और अब इसमें डाल देंगे रफली चॉप्ड ये टमाटर। फ्रेंड्स, ये मीडियम साइज के 5 टमाटरों के पीसेस। फ्रेंड्स, अब जो हमें करना है इन टमाटरों को प्याज के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। फ्लेम अभी भी लो ही रखेंगे और अभी से ढक्कन से कवर कर देंगे। इसे हम ढक्कन हटाकर बीच बीच में हिलाते रहेंगे। दो से तीन मिनट हो चुके हैं, देखिए मैं ढक्कन हटाकर दिखाती हूँ, टमाटर गलने लगे हैं और इनका पानी बनने लगा है। फ्रेंड्स, ये जो टमाटर का पानी बन चुका है वो पूरा खत्म होने तक इसे हमें कुक करना है। तो चलिए फिर से इसे ढक देते हैं। 3-4 मिनट लगभग और हो गए हैं, देखिए टमाटर का पूरा पानी खत्म हो गया है, इसका फॉर्म गाढ़ा हो चुका है और किनारियों पर तेल दिखने लगा है। इसका मतलब हमारे टमाटर भी अब परफेक्टली कुक हो चुके हैं। अब इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून टमेटो सॉस। अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 1 मिनट और कुक करेंगे और अब कर देंगे गैस बंद। फ्रेंड्स, इस पूरे मसाले को ठंडा करेंगे क्योंकि इसे अब हमें पीसना है। लगभग 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, ये मसाला ठंडा हो चुका है, इसे ट्रांसफर कर लेते हैं अब एक ग्राइंडर में।
और फ्रेंड्स इसे पीसने से पहले इसमें से तेज पत्ता अलग कर देंगे। इसका काम हो चुका है, इसका पूरा फ्लेवर मसाले में उतर चुका है। चलिए तो अब इसे पीस लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ हमें एक बात ध्यान रखना है, इसे एकदम महीन नहीं पीसना है। मेरे कहने का मतलब इसे 90% तक पीसेंगे, 10% लगभग हम इसे दरदरा रखेंगे। यहाँ हमारी हो चुकी है स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम हमारी सेकंड स्टेप पे। इसके लिए एक कढ़ाई गैस पर रखेंगे, फ्लेम लो ही रखेंगे। यहाँ फिर से डालेंगे 25 ग्राम बटर और डालेंगे एकदम थोड़ा सा तेल। दोस्तों तेल डालने का मेन पर्पज ये होता है कि हमारे बटर को तेल जलने से बचाता है। देखिए अब जैसे ही बटर मेल्ट हो गया है इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और इसे 1 मिनट तक बटर के साथ भूनकर तुरंत इसमें हमारी ग्राइंड की हुई ग्रेवी डालेंगे। देखिए इस ग्रेवी के पेस्ट का फॉर्म एग्जैक्टली इस तरह का रखना होता है। इसे बटर के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और गैस की फ्लेम लो ही रखेंगे। फ्रेंड्स ये जो मिक्सर जार में चिपका हुआ मसाला रह गया है ना भाई, अब इसे हमें वेस्ट तो करना नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे 1/2 कप दूध और ढक्कन लगाकर इसको अच्छी तरह से शेक करेंगे। और इस पूरे पेस्ट को ग्रेवी में डाल देंगे, इससे हमारी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी भी एकदम परफेक्ट हो जाएगी। फ्रेंड्स इस दूध के साथ ग्रेवी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसके बाद हम इसे ढककर 4 से 5 मिनट तक कुक करेंगे। बीच बीच में हम ढक्कन हटाकर इसे हिलाते रहेंगे। चलिए तो 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, अब देखते हैं हमारी ग्रेवी को। वाव फ्रेंड्स देखिए कितना परफेक्ट टेक्सचर और कलर आ चुका है, पूरा बटर ऊपर आ चुका है। ठीक इतना ही से हमें कुक करना होता है। इसी स्टेज पर हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून शक्कर। फ्रेंड्स जो होटल वाली सब्जी में हल्की सी मिठास होती है ना, वो इसी से आती है। एग्जैक्टली वो ही मिठास लाने के लिए हम यहाँ शक्कर ऐड कर रहे हैं। 1 मिनट तक शक्कर के साथ इसे कुक करके गैस बंद कर देंगे। ये हो चुकी है हमारी ग्रेवी तैयार और यहाँ पर हो जाती है हमारी स्टेप नंबर 2 कंप्लीट। अब आते हैं हम हमारी स्टेप नंबर 3 पर। इसके लिए लिया है हमने ये 200 ग्राम पनीर। फ्रेंड्स ये पनीर मैंने घर में ही बनाया है और ये एकदम आसानी से बन जाता है। अगर आप देखना चाहते हैं घर में ही परफेक्ट पनीर बनाने की रेसिपी, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी रेसिपी की लिंक आपको मिल जाएगी। अब इसे क्यूब्स में कट कर लेंगे। फ्रेंड्स सबसे पहले पनीर को करना है हमें मैरिनेट। इसके लिए गैस ऑन करके एक फ्लैट पैन रखेंगे, इसमें डालेंगे थोड़ा सा बटर, लो फ्लेम पर ही बटर को मेल्ट करेंगे। और अब जो हमें करना है, पनीर के इन क्यूब्स को इस तरह से पैन में रख देंगे। फ्रेंड्स पनीर को बटर के साथ मैरिनेट करने से इसका स्वाद एकदम डबल हो जाता है। ये बटर पनीर मसाला का एक ऑथेंटिक टेस्ट बिठाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और सीक्रेट स्टेप है, इसलिए इसे ध्यान से देखिए। इसके बाद इन पीसेस पे अब हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर स्प्रिंकल करेंगे इस तरह से। और इसी तरह से स्प्रिंकल कर देंगे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। देखिए इससे हमारे पनीर का कलर भी अच्छा हो जाएगा और स्वाद भी। इस तरह से हमने पनीर को कर लिया है मैरिनेट। फाइनली अब इस मैरिनेटेड पनीर के ऊपर डालेंगे हमारी ये तैयार ग्रेवी। और पनीर के साथ अच्छी तरह से मिलाएंगे। इसमें डालेंगे आप कंसिस्टेंसी ठीक करने के लिए 1/2 कप दूध और मिक्स करेंगे।
और फ्रेंड्स इसका टेक्सचर और भी क्रीमी बनाने के लिए ऐड कर देंगे इसमें 2 टीस्पून के अराउंड ये क्रीम। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स अभी भी इस ग्रेवी का फॉर्म मुझे थोड़ा थिक लग रहा है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा दूध और ऐड कर लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ अपने अंदाजे से दूध डालेंगे, जैसी कंसिस्टेंसी हमें पसंद है उसी हिसाब से हम यहाँ दूध ऐड कर लेंगे। मैंने लगभग आधा कप दूध डाला है, आप यहाँ अपने हिसाब से दूध ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स एक बात आपने नोटिस जरूर की होगी कि पूरी ग्रेवी बनाते समय कहीं भी मैंने पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं किया है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो हमें ध्यान रखना है। फ्रेंड्स यहाँ मैं जो आपको टिप दे रही हूँ ना, इसलिए दे रही हूँ कि एक बार मैंने एक बड़ी होटल के शेफ से पूछा था कि आपकी सब्जियों में इतना अच्छा क्रीमी टेक्स्चर कैसे रहता है। तब उन्होंने मुझे बताया था कि ग्रेवी की कंसिस्टेंसी को ठीक करने के लिए हम पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करते हैं, सिर्फ दूध से ही ठीक करते हैं। इनफेक्ट उन्होंने बोला था कि पूरी ग्रेवी बनाते समय पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करना होता है। अब दोस्तों इस ग्रेवी को पनीर के साथ 1-2 मिनट के लिए ढककर कुक करेंगे। चलिए 2 मिनट हो चुके हैं तो देखते हैं इसे। वाह देखिए फ्रेंड्स हमारी बटर पनीर मसाला रेडी है। अब देखिए इसका फाइनल लुक एकदम क्रीमी और परफेक्ट लग रही है। चलिए खाली कर देते हैं इसे सर्विंग बाउल में। और अभी से गार्निश कर देंगे क्रीम और धनिया की पत्तियों से। तो फ्रेंड्स आप भी ट्राई कीजिए सुपर डिलीशियस बटर पनीर मसाला और शेयर कीजिए आपके व्यूज कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फ्रेंड्स अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही और रेसिपीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।